Hi guys, welcome to Super Quick Revision next series. Today we are going to be starting with relevant costing ka revision. Now relevant costing is an important part. Koi ek offer aaya hai, aapko decide karna hai accept ya reject, to aapko uska relevant cost chahiye. Obviously cost ke na bahut sara cost ho sakta hai. In this lecture I am trying to cover two of them. One of them is going to be material. Other of them is going to be labor. Sirf do hi cheeze kar raha hu, material and labor, nothing else as such. Theek hai? तो लेट्स स्टार्ट. आज का अपना जो फोकस है सिर्फ मटेरियल और लेबर के ऊपर ही है, तो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से. सबसे पहले सपोज कोई एक प्रपोजल आया जिसके लिए आपको मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल मेरे पास स्टॉक के अंदर नहीं है, तो मटेरियल इज नॉट इन स्टॉक. ऐसी चीज का रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? सर यू गो टू द मार्केट एंड बाय. If you will go to the market and buy, whatever will be the cost, that will become relevant cost. That thing is going to be called as current replacement cost. ठीक है? Current replacement cost मतलब आज market जाकर माल खरीदेगा कितने का पड़ेगा. दूसरा, material is regularly used by the company. जरा सोचो, आपके पास कोई एक material regular business के लिए use होता रहता है. एक दिन एक प्रपोजल आ गया, आपको उसके लिए भी वो वाला मटेरियल चाहिए. ठीक है, आप ये वाला मटेरियल इधर यूज कर लो, फिर यहां पर शॉर्टेज हो जाएगा. शॉर्टेज मीट करने के लिए आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली योर रेलेवेंट कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ओके, आगे थर्ड, मटेरियल हैज गॉट नो अदर यूज बट हैज नेट स्क्रैप वैल्यू. तो अभी कुछ नंबर्स लेता हूं, सुनो. तुमको तीन डेटा दे रहा हूं. ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, उससे पहले एक छोटा सा चीज जरा याद रखना. ये जो पार्ट नंबर वन है ना, दिस इज मटेरियल इज नॉट इन स्टॉक. ये जो नेक्स्ट सारे के सारे केसेस है, नीचे सिक्स्थ केस भी आएगा, ये सारे के सारे केसेस आर ऑल अबाउट अगर मेरे पास मटेरियल स्टॉक के अंदर है तो. अगर मटेरियल स्टॉक के अंदर है ना, तो टेक्स्ट बुक तेरे को एक एक्स्ट्रा डेटा भी देगा. कौन सा एक्स्ट्रा डेटा? जब माल खरीदा था, कितने में खरीदा था, याद रखना. वो डेटा हमेशा यूजलेस होएगा. ओके, बस पढ़ लेने का, बिकॉज दैट इज अ संक कॉस्ट, दैट इज वन कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड ऑलरेडी. ठीक है, तो चलो, मटेरियल स्टॉक के अंदर नहीं है, खरीद लेने का रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अगर मटेरियल स्टॉक के अंदर है लेकिन रेगुलरली यूज मटेरियल है, तो भी रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट. थर्ड, मटेरियल हैज गॉट नो अदर यूज बट हैज नेट स्क्रैप वैल्यू. ऐसे केसेस के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? तो सुनो, ओरिजिनल परचेज कॉस्ट कोई एक मटेरियल का ₹3 है. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, मतलब अभी मार्केट से जाके और खरीदेगा तो ₹5 का पड़ेगा. जब खरीदा था ₹3, अभी मार्केट से जाके और खरीदेगा तो ₹5. तेरे पास जो स्टॉक है, अगर तू उसको बेच देगा, सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस तेरे को ₹4 मिल जाएगा, लेकिन तेरा बेचने का खर्चा 0.5 है, तो नेट अपने जेब के अंदर 3.5 आएगा. तो मैं 3.5 लिखता हूं. ठीक है, तो अब जरा सोचो, अगर ऑफर नहीं आता, इस मटेरियल का कोई यूज नहीं है, लिखा है ना नो अदर यूज, तो हम लोग उसको बेच देते तो कितना मिल जाता? 3.5. अभी ऑफर आ गया ना, ऑफर के लिए वाला माल चाहिए, तो मत बेच, यूज कर ले. अगर यूज कर लेगा तो तेरा कितना रुपीज लूज हो जाएगा? 3.5. तो ऐसे केसेस के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3.5. ठीक है, लेकिन अब मैं एक नंबर बदल देता हूं. चलो 3.5 को 6 कर देता हूं. अब जरा सोचो, अगर ऑफर नहीं आता, मैं अपना मटेरियल बेच देता, एट व्हाट रेट? 6. अगर ऑफर आ भी गया, इतना अकल तो मेरे को है, सर अभी भी अपना मटेरियल बेच देगा सर ₹6 के अंदर, तो बेटा ₹6 तो तेरे को पहले भी मिलता, अभी भी मिलेगा, यूजलेस है. लेकिन जरा सोच, अभी अगर तू अपना मटेरियल बेच देगा, ऑफर कैसे कंप्लीट करेगा? सर आई विल गो टू द मार्केट एंड बाय, आई विल गो टू द मार्केट एंड बाय, दैट विल कॉस्ट मी कितना रुपीज यार? 5. तो रेलेवेंट कॉस्ट 5 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, लोअर ऑफ दीज टू विल बिकम योर आंसर. तो रेलेवेंट कॉस्ट ओवर हियर विल बी लोअर ऑफ व्हाट यार? लोअर ऑफ टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? One is current replacement cost. Other particular thing is nothing but resale value. जो भी इन दोनों के अंदर से lower होगा, first case के ना 3.5 lower था, वो answer बन गया. Second case के ना 5 lower था, तो वो answer बन गया. ठीक है, आगे. अब next, material has got no other use but has net scrap cost. Okay. तो ऐसे cases के अंदर जरा सोचो क्या होगा. नंबर्स बदलता हूं, तो यही वाले नंबर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. माल खरीदा था ₹3 में खरीदा था,
और माल खरीद सकता है 5 रुपए के अंदर. माल बेच के ना कुछ मिलता ही नहीं, बल्कि माल बेचने का तेरा खर्चा होता है 1 रुपए का बस. सोचो ऐसे केसेस के ना क्या होगा. सर अगर ऑफर नहीं आता 1 रुपए का खर्चा करके माल बेच देता. अभी मत बेच, यूज कर ले. अगर यूज करेगा तो तेरा 1 रुपया बच जाएगा. तो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगा, रेलेवेंट रेवेन्यू होगा. रेलेवेंट रेवेन्यू विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू सीव्ड. ठीक है, ये वाला काम हो गया. उसके बाद 5, मटेरियल कैन बी यूज्ड एल्सवेयर. कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज अगर कोई ऑफर नहीं आता, आपके पास मटेरियल के लिए 2 ऑप्शन है, या बेच दो या उसको किसी और के बदले में यूज करो, फिर आपको वो नहीं खरीदना पड़ेगा. तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करते थे. जरा याद करो. फर्स्ट, सर अगर ऑफर नहीं आता तो 1 ऑप्शन था बेच दो, रॉ मटेरियल बेच दो. दूसरा ऑप्शन था सर यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूट. अगर ऐसा करेगा तो यू विल सेव समथिंग. तो ये भी तेरा इनकम है, ये भी तेरा इनकम है. ठीक है, अगर ये दोनों तेरा इनकम है, आई वुड लाइक टू डू वट एवर इज हायर. तो अगर ऑफर नहीं आता तो मैं इन दोनों में से एक काम करने वाला था जो भी हायर होता. लेकिन अभी अगर ऑफर आ गया तो मेरे को ऑफर के लिए भी तो मटेरियल चाहिए. तो अभी तो ये वाला काम ना मत, तो अभी तो ये वाला काम मत कर. ये वाला काम मत कर मतलब या मटेरियल मत बेच, तो लूज कर लेगा. ये लाइन में फिर से बोलता हूं, अगर ये वाला ऑफर आ गया तो तेरे को इस ऑफर के लिए भी तो मटेरियल चाहिए. कहां से मटेरियल लेकर आएगा? तू मटेरियल बेचने वाला था, मत बेच, इधर यूज कर ले. तो जो मिलने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस्ट, वो हो गया एक चीज. दूसरा, या फिर एक काम जरा कर, तू इस रॉ मटेरियल को किधर और सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करके वहां पर पैसे बचाने वाला था. अभी वो वाला काम तू मत कर, उसको उधर यूज कर ले. अगर इसको इधर यूज किया फिर देखो वहां के लिए माल वो खरीदना पड़ेगा. तो जो चीज पहले तुम्हारा रेवेन्यू था यहां आकर तुम्हारा कॉस्ट बन गया फिर. ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन भी तो है, गो टू द मार्केट एंड परचेज न्यू रॉ मटेरियल दैट यू विल इनकर सम रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ये भी तेरा कॉस्ट है, ये भी तेरा कॉस्ट बन गया. ऑब्वियसली कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. सो देयरफॉर लोअर ऑफ दीस टू विल बिकम योर आंसर. ठीक है, तो कोई भी नंबर्स वो ले लो. सपोज एक ही एग्जाम्पल देता है, अगर ये वाला ऑफर नहीं आता, मैं अपना माल 3 रुपए के अंदर बेचने वाला था, या फिर उसको किधर और यूज करके फिर वहां पर माल नहीं खरीदना पड़ता, सपोज 2 रुपया. तो मैं इन दोनों के अंदर से क्या करता? क्या मैं अपना माल बेचता 3 रुपए कमाता, या फिर मैं अपना माल दूसरी जगह पे यूज करके 2 रुपया कम बचा लेता? सर आप 3 रुपया कमाता ना, क्योंकि 3 is more than 2. तो मैं अपना मटेरियल बेचने वाला था फॉर हाउ मच रुपीज यार, 3. तब तक बेचने वाला था जब तक ऑफर नहीं आता. अभी ऑफर आ गया, अभी अगर ऑफर आ गया तो उसको मत बेच, यूज कर ले. अगर उसको यूज किया तो 3 रुपया विल बी लॉस्ट, दैट इज वन ऑप्शन. दूसरा, मार्केट जा, मटेरियल खरीद ले. सपोज मार्केट से खरीदेगा तो 4 रुपए का पड़ेगा, तो इधर 3 रुपया लूज होगा, इधर 4 रुपया का खर्चा होगा. आई वुड लाइक टू डू वट एवर इज अ लोअर कॉस्ट. ठीक है, चलो ये वाला भी काम हो गया. 6th, मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई. ऐसा होएगा, सपोज तेरे पास ना 1 यूनिट ऑफ ए पड़ा हुआ है. ठीक है, ये 1 यूनिट ऑफ ए तेरे पास है, मार्केट में और नहीं मिल सकता. जब तूने खरीदा था 5 रुपए का खरीदा था, और नहीं मिल सकता अभी. ठीक है, अभी अगर और नहीं मिल सकता तो सर ऑफर आ गया, ऑफर के लिए ये वाला रॉ मटेरियल ए मेरे को चाहिए 1 यूनिट, तो फिर तू ऑफर के लिए यूज कर ले. अगर ऑफर के लिए यूज कर लिया, मैंने बस ना यहाँ पे 5 रुपीज लिख लिया, 1 मिनट के बाद काट देगा. मैं सोचता हूँ यार ए की बहुत कमी थी. अगर मटेरियल ए को ऑफर के लिए यूज नहीं करता ना, कोई और प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए उसको यूज कर लेता. तो अगर तू रॉ मटेरियल ए को एक्स के अंदर डालता तो फिर एक्स बन जाता. सपोज एक्स 40 रुपए के अंदर बिक जाता, तो तेरा मटेरियल ए फिर उधर लग जाता 5 रुपया. सपोज तेरे बाकी वेरिएबल कॉस्ट 30 लेता हूं. ठीक है, तो बाकी तुम्हारे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 30, तो यहां पर तुम्हारा जो प्रॉफिट आ जाता वो कितने रुपीस का आ जाता बेटा? 5. ठीक है, तो अब जरा सोचो, मैं अपना रॉ मटेरियल ए ऑफर के लिए यूज कर लेगा.
अगर ऑफर के लिए ही यूज कर लेगा तो फिर एक्स नहीं बन पाएगा, तो जो आप एक्स से कमाने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस्ट. कोई बोलता है सर पांच रुपया ना मतलब, नो 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 नो, याद रखना फाइव रुपीज इज अ संक कॉस्ट. इफ इट इज अ संक कॉस्ट, पांच रुपए को दोनों जगह पर कैंसिल कर देने का. तो अगर ऑफर आया तो प्रोडक्ट टैक्स नहीं बनेगा, प्रोडक्ट टैक्स बनता तो मेरा और खर्चा 40 का होता और खर्चा 30 का होता, तो मेरे को नेट कितना मिलता बेटा 10, लेकिन दैट 10 रुपीज विल बी लॉस्ट नाउ, बात खत्म होगी. सो देयरफॉर 10 रुपीज लॉस्ट विल स्टार्ट टू बिकम योर कॉस्ट. ठीक है, काम खत्म. तो ऐसे केसेस के ना तुम्हारा रेलेवेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी विच कॉस्ट बॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए याद रखना ये 5 रुपीज कैंसिल करने के बाद जो आंसर आए दैट इज योर आंसर, क्योंकि 5 रुपीज इज संक कॉस्ट. ठीक है, चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया. अभी आगे चलते हैं. लेबर, लेबर इज पेड ऑन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, पीस रेट सिस्टम या टाइम बेसिस सिस्टम. ठीक है, तो अगर पीस रेट सिस्टम होगा, सपोज कोई एक प्रपोजल आया जहां पर 2000 यूनिट्स बनाने का है, यू पे द वर्कर्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, तो बेटा तेरा लेबर कॉस्ट कितने रुपीस का हो जाएगा, 6000. बात खत्म हो गई. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट. जो भी एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं ना टाइम बेसिस के अंदर ही आएगा, तो टाइम बेसिस. नो एडजस्टमेंट इज गिवन फर्दर, उसका मतलब क्या है, कोई एक ऑफर आया वहां पर ना अपने को 3000 यूनिट बनाने का है, हर यूनिट के लिए 4 आवर्स लगता है, वर्कर्स को आप लोगों ने बोल दिया वी विल पे यू 10 पर आर, तो बस तुम्हारा रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3000 × 4 = 12000 × 4 = 120000. यहां पर देर इज नथिंग टू थिंक, बट नाउ देर इज समथिंग. आइडल टाइम इज देर एंड नो डिफरेंशियल रेट ऑफ आइडल आवर्स एंड नॉर्मल आवर्स. चलो ठीक है, इसका मतलब 2 मिनट के बाद बोलता है. सुनो, हम लोगों ने ना वर्कर लोगों को गारंटी दिया कि भाई जो भी हो हम लोग तुमको 2 लाख आवर्स के लिए गारंटी दे रहा है कि तुमको 2 लाख आवर्स का काम आएगा ही आएगा. लेकिन अगर 2 लाख आवर्स का काम नहीं भी आया ना, हम लोग तुमको 2 लाख आवर्स के लिए पेमेंट करेगा. वर्कर लोगों ने तो ताली बजा दिया. ठीक है, क्योंकि उन लोग को तो कमिटमेंट वो मिल गया. ये साल बहुत बुरा जा रहा है अपना, अपने को लगता है 1,70,000 आवर्स से ज़्यादा वर्कर लोग काम ही नहीं करेगा. तो मैनेजमेंट बहुत सैड है. क्यों सैड है, क्योंकि उनको ये 30,000 आवर्स के लिए अभी भी पे तो करना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली एट वॉट रेट यार, 20. तो याद रखना एवरी आवर दैट वर्कर इज वर्किंग वी आर पेइंग देम 20, every hour that they will sit idle will be paying them 20. So that is there is no differential rate. Okay, to ye sara time chal raha tha, suddenly ek din offer aa gaya 25,000 hours us offer ke liye lagega. ये ऑफर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा, लेकिन आ गया अपने पास. ठीक है, अब मेरे को जरा बोलो तुम्हारे पास कितने स्पेयर आवर्स पड़े हुए हैं. 30,000 वर्कर लोग 30,000 आवर्स के लिए ऐश मारने वाला था, हम लोग उनको पे करने वाला था. अभी ऑफर आ गया और ऑफर के लिए सिर्फ कितने आवर्स चाहिए, 25,000. ठीक है, तो मेरे को बोलो क्या तुम्हारे पास 25,000 स्पेयर आवर्स हैं. यस, तो तुम्हारा रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0. ओके, नेक्स्ट, ऑफर के लिए 30,000 आवर्स चाहिए, क्या तुम्हारे पास 30,000 आवर्स हैं. यस, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 0. ये दोनों क्या चिंदी केस है. अभी थर्ड केस करता है जो मेरे को इधर लिखना था. सपोज कोई एक ऑफर आया उसके लिए तेरे को 33,000 आवर्स चाहिए, तो अगर 33,000 आवर्स चाहिए उसके अंदर से 30,000 आवर्स तो तेरे पास स्पेयर थे, लेकिन तेरे को वर्कर लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कितने आवर्स के लिए, 3000 आवर्स एट द रेट ऑफ 20, दिस विल बिकम रेलेवेंट कॉस्ट फॉर यू. ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये है अगर आइडल टाइम था और डिफरेंशियल रेट था. अभी मैंने कुछ बदल डाला, बराबर से जरा देखना. आइडल टाइम इज देयर एंड देयर इज डिफरेंशियल रेट ऑफ आइडल आवर्स एंड नॉर्मल आवर्स. देयर इज डिफरेंशियल रेट, उसका मतलब देखो वर्कर लोगों को मैनेजमेंट ने बोला वी गारंटी यू फॉर 2 लाख आवर्स, वर्कर लोगों ने ताली बजाई फिर से उनको बोला, लेकिन सुनो हर एक घंटा जो काम करेगा वी विल पे यू एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, लेकिन हर एक घंटा जो आइडल रहेगा
वी विल पे यू एट 15 रुपीज. ऑब्वियसली अगर काम नहीं कर रहे तो तुमको कम रेट तो पे करेगा ना यार. ओके, 2 लाख घंटे के लिए गारंटी तो है. But in this particular case, for every hour that you work, we pay you 20. For every hour that you do not work, we pay you at the rate of 15. अब जरा सोचो, same case 3 वाला, जो पिछली बार वो किया था, 3 cases अभी अभी solve कर रहा है. कोई एक offer आया जिसके लिए 25,000 hours की ज़रूरत है. मेरे को बोलो, क्या 25,000 hours हैं तुम्हारे पास? हैं ना सर, ठीक है. तो ये 25,000 hours अगर worker लोग idle बैठते, तुम लोग उसको pay करते at what rate? 15. लेकिन अभी ऑफर आ गया, तुम उनको बोलोगे चलो चलो बैठने का नहीं, काम करो. अभी काम करेगा, यू विल पे देम एट 20. तो तेरा एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट कितने रुपीस का हो जाएगा? 5. दैट इज 20 माइनस 15, ठीक है. 30,000 है तो विल बिकम 30,000 × 5. लेकिन अभी उसके बाद थर्ड वन, अगर 33,000 आवर्स तुम लोग को चाहिए, तो अगर 33,000 आवर्स चाहिए तो बेटा 33 के अंदर से कितने स्पेयर थे? 30. अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे पास यहां पर कितने आवर्स हैं? 3000. तो फॉर एवरी आइडल आवर दैट यू हैड, यू आर सपोज टू बी पेइंग 15, बट नाउ यू विल पे 20. तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना? 5. दूसरा 3000, ये तो एक्स्ट्रा आवर्स हैं, इसके लिए तो यू विल बी पेइंग एक्स्ट्रा 20 रुपीज. बस दिस फर्स्ट कॉस्ट प्लस दिस कॉस्ट, दिस विल बिकम योर फाइनल कॉस्ट, ठीक है. चलो ये वाला काम हो गया. अभी उसके बाद डी, वर्कर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. ये मैं नेक्स्ट पेज पे अलग से कर रहा हूं. सुनो, अगर कभी वर्कर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई तो कुछ ऐसा जरा सोचो. वर्कर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है. कोई एक ऑफर आया है जिसके लिए ना तेरे को 1 आवर चाहिए, ठीक है. कोई एक ऑफर आया जिसके लिए तेरे को 1 आवर चाहिए. और वर्कर्स कॉस्ट मी रुपीज सपोज 10, ठीक है, 10 रुपीज. लेकिन वर्कर्स ना बहुत कमी है. यूजली ऐसा स्किल्ड वर्कर्स के लिए होगा दैट वर्कर्स विल बी इन शॉर्ट सप्लाई. ओके, कभी कभी आपको डायरेक्टली लिख के वो दे देंगे, वर्कर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं, देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लेबर दैट वी आर फेसिंग, मतलब लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई. तो अगर ये वाला ऑफर नहीं आता ना, वर्कर्स लोग को खाली नहीं रहने देता. वर्कर्स लोग को बोलता चलो चलो कुछ और काम करो. ये कुछ और काम है, मैं इसको अनदर जॉब बोल देता हूँ. अगर 1 घंटा वो लोग उधर काम करता तो उनको 10 रुपए वहां पर देना पड़ता. लेकिन वो लोग दूसरी जगह काम करके 1 घंटे के अंदर उतना यूनिट्स बनाते जिसका सेल्स वैल्यू सपोज 30 है, और उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा लग जाता से 15 का, ठीक है. तो तुमको प्रॉफिट जो है कितने रुपीज का मिल जाता बेटा? 5. बस अभी स्टोरी खत्म, बराबर से सुनना. अभी ये जो 10 रुपीज का कॉस्ट है, ये तो लगने ही वाला है, चाहे इधर चाहे इधर. अगर कोई खर्चा होने वाला है उसको कैंसिल कर दो फिर, ठीक है. तो मैं सोच रहा हूं, अगर मैंने 1 घंटा ऑफर के लिए डिवोट कर दिया तो ये वाला जॉब नहीं बनेगा. तो ये जॉब से जो कमाने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस्ट. लेकिन वो जॉब से कितना कमाने वाला था? 30 माइनस 15 रुपीज. तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 पर आर, ठीक है. या फिर अगर ऐसे नहीं करने का तो दिस 5 रुपीज वॉज आफ्टर कैंसलिंग 10. 5 प्लस 10 आंसर कितना आ जाएगा? 15. सबको समझ में आता है? तो तुम्हारा जो रेलेवेंट कॉस्ट है कितने रुपीज का आ जाएगा? 15. इज दैट ऑल ओके? सो देयरफॉर दिस विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट एज सच, ठीक है. तो एक प्रिंसिपल वो याद रखना इधर, ये जो 10 रुपीज का कॉस्ट है ना बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये संग कॉस्ट है, मैं बोल रहा हूं ये वाला खर्चा तेरा होएगा ही होएगा, तू जो मर्जी कर ले बस. ओके, तो अगर कोई खर्चा होने ही वाला है तो आप उसको कैंसिल कर दो. तो कैंसिल कर दिया तो ये 5 जो है कितना बन गया? 15 रुपीज. तो रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 15 रुपीज. दिस इज वन वे. वरना ICAI कुछ ऐसे भी बोल सकता है, आप 10 रुपीज दोनों जगह पे कैंसिल मत करो, 10 रुपीज दोनों जगह पर रहने दो. तो ठीक है, तो रहने देते हैं भाई. तो इस ऑफर के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीज का हो जाएगा? 10. आप 10 इधर भी रहने दो, फिर इधर भी रहने दो. तो अगर आप लोगों ने ऑफर कंप्लीट किया तो ये वाला जॉब नहीं बनेगा. ये वाले जॉब से आप लोग कितना रुपीज कमाने वाले थे? 5. सो देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने का आ जाएगा? 5. तो आंसर 15 आ जाता है. आंसर पहले भी 15 था, अभी भी 15 है. लेकिन बस कभी कभी ICAI प्रेजेंटेशन ऐसा वो दे देगा कि 10 रुपीज इधर भी रहने दो और इधर भी रहने दो, उसके बाद फिर आंसर ऐसे निकाल लेना, ठीक है. चलो
ये हो गया लेबर, लेकिन लेबर की कोई और एडजस्टमेंट कभी भी आए, इट कुड बी एनी एडजस्टमेंट यार, तो एक ही चीज सोच लेना, अगर ऑफर नहीं आता लेबर कॉस्ट कितना लगता। फिर सोच लो अभी अगर ऑफर आ गया तो लेबर कॉस्ट कितना लगेगा। डिफरेंस बिटवीन दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी गिविंग यू योर करेक्ट आंसर एज सच। ओके, हम लोगों ने अभी वाले केसेस के अंदर भी वही वाला काम किया। ओके, सो we will have started away with relevant costing now. Okay, we will have done material and labor, all other adjustments in your next lecture. Okay, I'll see you all in the next lecture.